हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। तो दोस्तों, जो बिहार में ग्राम पंचायत राज के लिए जो फॉर्म आई है, तो उस पर मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपको बताया था उस फॉर्म से रिलेटेड सारी बातें को। अब वो फॉर्म को किस तरीके से भरना है स्टेप बाय स्टेप, मैं वो बताने आया हूँ। तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रहा पंचायती राज विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट। और दोस्तों, अगर आप इसका फुल नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला रहेगा। डायरेक्ट आप उस लिंक को क्लिक कर इस फॉर्म से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्म को मैं भर लेता हूं कि किस तरीके से भरा जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस ऑप्शन में आना होगा जहाँ पर लिखा हुआ है संविदा लेखापाल, इसे मैं क्लिक किया। क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं किस तरह से पेज ओपन होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें। चलिए क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही इस तरह से पेज ओपन हुआ जहाँ पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन एंड एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट। चलिए मैं न्यू हूँ तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लेता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुकी है। चलिए इसे मैं फिल कर लेता हूँ। तो पोस्ट अप्लाई, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आईटी असिस्टेंट के लिए या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। चलिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। नेम आपका नाम क्या है वो डाल लीजिए, फादर्स नेम अपना डाल लीजिए। ये 18 मार्च 93। जेंडर अपना चूज कर लीजिए आप, मेल है या फीमेल है। कैटेगरी चूज कर लीजिए आप, ईबीसी में आते हैं या जनरल में आते हैं। ईबीसी में चूज कर लीजिए। ईमेल डाल लीजिए अपना। चलिए मैं ईमेल डाल लेता हूँ। अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल लीजिए, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों हम एग्जैक्ट डालिएगा जो आपके पास अभी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक वो मैसेज आती है जो आपको आगे काम देगी। पासवर्ड अपना बना लीजिए आप, उसके बाद जो कैप्चा है वो उस कैप्चा को फिल कर लीजिए। देन फाइनली रजिस्टर में क्लिक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा फाइनल रजिस्ट्रेशन हो चुका है। या देख सकते हैं यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल्ली, आईडी नंबर ये दे दिया है और मेरा पासवर्ड इज जो मैंने ना डाला था वो दे दिया है। चलिए यहाँ क्लिक हियर टू कंटिन्यू में कर लेता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद फाइनली आप अपना यूजर आईडी डाल लीजिएगा जिससे मैं डाल चुका हूँ, एंड पासवर्ड अपना डाल लीजिएगा आप। देन जो नीचे लिखा हुआ कैप्चा, वो कैप्चा कोड को फिल कर लीजिएगा आप। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। ओके, देन फाइनली लॉगिन। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब जो पेज खुला है ये एप्लीकेशन पेज है। यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, वेलकम आकार धनराज, मेरा नाम लिख दिया गया है। चलिए अब जो मुझसे मांगा जा रहा है मैं उसे फिल कर लेता हूँ। एप्लीकेशन चेकलिस्ट, चेकलिस्ट कर लीजिए। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, हाँ कंफर्म कर लिया है। एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स किया आपने, नहीं चलिए पर्सनल डिटेल्स कर लेता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा पर्सनल डिटेल्स का पेज ओपन हो चुकी है। कुछ मेरा इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है जो मैं रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम, और कुछ मुझे फिल करना, चलिए मैं फिल कर लेता हूँ बाकी का। आधार टाइप्स, आधार नंबर, या तो आप अपना वर्चुअल आईडी डाल सकते हैं। चलिए मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ। फ़ोन नंबर है तो डाल लीजिए, तो आप इसे नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एड्रेस, आपको जो एड्रेस है वो डाल लीजिए। पिन कोड अपना डाल लीजिए, अगर ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के लिए तो इसे क्लिक कर लीजिए, ऑटोमेटिक वो सेम हो जाएगा। पिन कोड भी आ गया, नेशनलिटी आप इंडियन से, ओके। स्टेट ऑफ डोमेसियल, आप कहाँ से है बिलोंग करते हैं, तो बिहार, ओके। होम डिस्ट्रिक्ट, आपको होम कहाँ पर है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो पटना, अदर जिला जो भी आप हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर चुका हूँ। देन फाइनली इस बॉक्स को क्लिक कर हमें सेव कर गो टू होम में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है मैं उसमें आ जाऊँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं नेक्स्ट यानी कि थर्ड जो है क्वालिफिकेशन। चलिए मैं अपना क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डाल लेता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं सर्वर बहुत ही ज़्यादा डाउन है, मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसके बाद आगे पेज ओपन नहीं हो पा रही है। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं बता देता हूँ कि जब अच्छा सर्वर रहेगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर पूरी तरह से बताया हुआ है। पहला क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर।
उसके बाद एडिट पर्सनल डिटेल्स, आप पर्सनल डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन नंबर, प्रिंट एप्लीकेशन नंबर कर सकते हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ये चार प्रोसेस है, और इस चार प्रोसेस को आपको यहाँ दिखाया गया है। पहला है एप्लीकेशन चेकलिस्ट, यहाँ पे क्या क्या एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इस वन में ये सब आ गया, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो आपने ऑलरेडी कर चुका है। देखिए मैं कर लिया हूँ तो ग्रीन हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में जो पर्सनल डिटेल्स है वो भर लिया हूँ तो ग्रीन हो चुका है। और दोस्तों उसके बाद में जब क्वालिफिकेशन में आ रहा हूँ तो पेज ओपन नहीं हो पा रही है, सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं 15-15 मिनट तक वेट कर रहा हूँ लेकिन पेज नहीं हो पा रही है और कभी कभी सर्वर एरर लिख दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है। उसके बाद है क्वालिफिकेशन, जो आपको बता चुका हूँ, उसका फोटो अपलोड, जहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आपको होना चाहिए 50 के बीच कम और सिग्नेचर होना चाहिए 20 के बीच कम। उसके बाद फाइनलिस्ट आपका है, सिंपल सा है, जो अप्लीकेशन निकाल लेना, उसको प्रिंट आउट कर लेना। अब नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड चेकलिस्ट, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो आपको यहाँ दिखाया गया है। पहला है मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपके पास एम कॉम है, सी ए सर्टिफिकेट है, या कास्ट सर्टिफिकेट है, या रेसिडेंसी सर्टिफिकेट है, तो आप सभी को अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था वीडियो, तो दोस्तों सॉरी आगे जो प्रोसेस में पूरी तरह से आपको दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था वीडियो आज का, तो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। और हाँ, किसी पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो आकर कमेंट कीजिएगा, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों इसी तरह का अपडेटेड न्यूज़ प्राप्त करने के लिए, अपडेटेड गवर्नमेंट फॉर्म से रिलेटेड सारी बातों को जानने के लिए, किस तरह से फॉर्म फिल किया जाता है, सारी बातों को जानने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो डेट आपके पास पहुँच जाएगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.